हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरे चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज़ जाकर उसको देखें। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कोष्टक में b-a का 30% बराबर कोष्टक में b+a का 18% हो तो a अनुपात b, इसका मान हमें बताना है। तो इसमें यहाँ क्या दिया है, b-a का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 30% दिया है तो परसेंट को हम क्या लिखेंगे, 30/100 बराबर b+a का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 18% हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसल, 2 से 30 15 बार कट जाएगा और 2 से 18 9 बार कट जाएगा, 3 से 15 5 बार कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा। तो हमारी यहाँ संख्या क्या है, ये 5, इसका इसमें गुणा आ जाएगा तो 5b-5a बराबर, यहाँ 3 का इसमें गुणा आ जाएगा तो 3b+3a। अब हम जो a वाली संख्या है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो b वाली संख्या है उनको हम एक तरफ कर लेंगे, तो 5b प्लस के 3b को इस तरफ लाएंगे तो माइनस की जाएंगी, तो माइनस के 3b, यहाँ क्या बचा है प्लस के 3a, माइनस के 5a को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 5a। पांच में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2b, 3 और 5 कितना होगा, 8a, तो ये हमारा b का मान है, ये हमारा a का मान है, तो a का मान हमारा क्या आया है, a का मान 2 आया है और b का मान कितना निकल गया है, 8। चाहे तो इसको और छोटा बना सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी, तो ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है 4, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 का अनुपात क्या होगा, इसका हमें अनुपात बताना है। तो दोस्तों, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर स्क्वायर और इसकी घात क्या है 3.5, अनुपात 2 की घात 5 दिया है, इस 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 3.5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ 2 की घात कितनी आएगी 7, अनुपात 2 की घात 5। इसको हम तोड़ देंगे तो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 5, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और अनुपात 2 की घात 5, तो इससे यह कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की घात 2, अनुपात यहाँ क्या बचेगा 1, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 अनुपात 1, तो 4 अनुपात 1 हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी बराबर 9:11, 11:7, 7:5 हो तो ए और सी के पास बी से 4500 रुपये अधिक हैं, ए और सी के पास बी से कितने रुपए अधिक हैं 4500, तो बताइए बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं, हमें क्या बताना है कि बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है। तो इसमें इनके अनुपात क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए का मान क्या है 9, बी का मान क्या है 11, ये सभी अनुपात हैं, और सी का अनुपात क्या है 7,
और डी का अनुपात क्या है 5। अब हमसे क्या कह रहा है, ए और सी के पास बी से 45 रुपए अधिक हैं, तो ए प्लस सी इससे कितने रुपए अधिक है, 4500 रुपए अधिक है किसके पास, बी। तो ए का अनुपात क्या है 9 और सी का अनुपात क्या है 7, तो 9 और 7 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, और बी का अनुपात क्या है 11, तो यहां इससे कितना अधिक है 5 अधिक। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है 4500 रुपए अधिक, तो 5 बराबर 4500, हमें एक की वैल्यू निकालनी है या वन यूनिट निकालनी है, तो 5 का भाग 4500 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 900 बार, तो एक बराबर 900। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं, तो बी प्लस सी ए प्लस डी इनसे कितने रुपए अधिक है हमें बताना है, तो बी बी का अनुपात क्या है 11 प्लस सी सी का अनुपात क्या है 7 माइनस ए ए का अनुपात क्या है 9 और डी डी का अनुपात क्या है 5, तो इनको जोड़ेंगे तो 18, इनको जोड़ेंगे तो 14, तो 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा 4, तो वन यूनिट का मान कितना है 900, तो 4 का मान कितना होगा, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3600, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 3600 रुपये अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए का 40% कोमा बी के 35% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का हमें मान बताना है, तो यहाँ क्या दिया है ए का 40%, तो 40/100, बी के 35%, तो 35/100 के बराबर है, तो बराबर का साइन लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 40 8 बार, 5 से 35 7 बार कटेगा, तो यहाँ कितना आएगा 8 ए और यहाँ कितना आएगा 7 बी, तो ये हमारा ए का मान होता है, ये हमारा बी का मान होता है, तो ए का मान क्या है हमारा, ए का मान 7 और बी का मान क्या निकल गया है 8। हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो ए का मान क्या है 7 और बी का मान क्या है 8, तो 7:8 हमारा क्या है आंसर है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी का 500% है तो, और बी सी का 2/3 है तो ए अनुपात बी बी अनुपात सी इसका मान हमें बताना है, तो यहाँ क्या दिया है ए बी का कितना दिया है 500%, तो प्रतिशत की बट्टे में 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ कितना आएगा ए बराबर 5 बी, और यहाँ क्या दिया है बी सी का 2/3 है, तो बी किसका सी का कितना है 2/3, तो बी बराबर 2c/3, 3 का इसमें गुणा आएगा तो 3 बी बराबर 2c। तो यहाँ ए का मान क्या है 5 और बी का मान क्या है 1, यहाँ बी का मान क्या है 2 और सी का मान क्या है 3। हमसे क्या पूछ रहा है ए अनुपात बी बी अनुपात सी, तो ए का मान क्या है 5 बी का 1 या बी का 2 3 का सी का 3,
यहाँ रिक्त स्थान है तो इस संख्या को यहाँ लिख देंगे, यहाँ रिक्त स्थान है तो इसी को यहाँ लिख देंगे, इनका गुणा करेंगे, 5 × 2 = 10 अनुपात 2:1 = 2 अनुपात 3:1 = 3 तो 2:2 = 2 2:3 हमारा क्या है आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ क्या दिया है ए बी का कितना दिया है 4 गुना तो बी गुणा 4 तो ए बराबर 4b तो a का मान क्या है 4 और b का मान यहाँ 1 रहेगा। यहाँ क्या दिया है b c का 2 गुना है तो b बराबर 2c तो b का मान क्या है 2 और c का मान क्या रहेगा 1 रहेगा। तुमसे क्या पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें बताना है तो ए ए का मान क्या है 4 बी बी का मान क्या है 1 यहाँ बी का मान क्या है 2 यहाँ सी का मान क्या है 1। यहाँ रिक्त स्थान है तो इस संख्या को लिख देंगे, यहाँ रिक्त स्थान है तो इसी को यहाँ लिख देंगे, इनका गुणा करेंगे 4 × 2 = 8 अनुपात 2:1 = 2 1 की 1 तो 8:2 2:1 हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 2 संख्याओं का योग 40 है और इनका अंतर 4 है तो इनका अनुपात ज्ञात करो। तो हमको ये 2 संख्या मान लेंगे, जैसे हमने संख्या x और y मानी है तो 2 संख्या तो एक x मानी है दूसरी क्या मानी y, इनका योग तो इनके योग कितना दे रहा है 40। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में और इनका अंतर तो x y इनका अंतर कितना दे रहा है 4 तो इसमें हम x और y के मान निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर इस y से y कट जाएगा या 2x 2x 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। हमें x का मान निकालना है तो 2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 22 बार तो x का मान क्या आ गया 22। अब हमें y का मान और निकालना है तो इस x के मान को हम इस एक समीकरण में रख देंगे तो हम इस समीकरण में x का मान रखते हैं तो x का मान क्या है हमारा 22 प्लस y बराबर 40 तो y बराबर 40 माइनस 22 y बराबर 40 में से 22 गया तो कितना बचेगा 18 तो y का मान क्या आएगा हमारा 18। हमसे क्या पूछ रहा है उनका अनुपात पूछ रहा है तो x अनुपात y तो x का मान क्या है 22 अनुपात 18 दोनों संख्याएं कट रही हैं तो इसको 2 से काटेंगे तो कितनी कट रही है 11 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी कट रही है 9 बार तो 11:9 हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2 2:5 है और इनके वर्गों का योग 1862 है तो सबसे छोटी संख्याएं बताएं। तो इसमें 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 1862 और हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले हम 3 संख्या मान लेंगे तो हम 3 संख्या मान लेंगे 3x इसको 2x इसको क्या मान लें 5x और क्या कह रहा है हमारे प्रश्न में और इनकी वर्गों तो इनका वर्ग कर देंगे का योग तो इनको सभी को प्लस कर देंगे और कितना दे रहा है 1862 इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे तो 3x इसका वर्ग कितना होगा 9x² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 4x² इसका वर्ग करेंगे तो
पाँच का वर्ग करें तो 25x स्क्वायर बराबर 1862। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38x स्क्वायर बराबर 1862। हमें x का मान निकालेंगे तो 38 का इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1862 में हम 38 का भाग देंगे, तो जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 49 बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसका मान कितना आ गया, 49। तो 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो x का मान क्या आ गया, 7। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2x। तो 2x, तो 2x का मान क्या है, 7। तो 7 दुनी 14, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 14 हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा इनका एलसीएम 180 है तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तुम्हारी दो संख्या क्या दी है, 4:5। तो सबसे पहले हम इनका, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 4x, और इसको हम क्या मान लेंगे, 5x। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4x और 5x इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 20x आएगा। और यहाँ इनका एलसीएम कितना दे रहा है, 180। तो 20x बराबर 180, हमें x का मान निकालना है तो 20 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो x का मान क्या आ गया, 9। हमसे दोनों संख्या पूछ रहा है तो 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौक 36, 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 9 5 45। तो हमारी संख्या कौन कौन सी होंगी, 36 और 45 संख्या होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।